का नानी आलू कोड़ के आलू पराठा को बकरी को खिला रही है। ये देखिए आलू का पत्ता सबको बकरी को खिला रही है। ये देखिए आलू का पत्ता सब यहाँ खस्सी और बकरी को दोनों खा रहा है। उन लोगों का पेट भरेगा। ये देखिए किस तरह खा रहा है बेचारा, कितना ही लोग भूखे थे, भूखे था यहाँ पूरा खा रहा है। ये देखिए प्रियंका का नानी आलू को बांट रही है। ये देखिए कितना आलू दिलाया हुआ है। ये देखिए कितना आलू को बांट रही है प्रियंका के नानी। नानी कितना आलू कुबारी, कितना आलू का पेड़ में आलू है। ये देखिए पूरा लाल आलू है, वो भी बड़ा बड़ा। यहाँ डिंगाई है थोड़ा सा और अभी उधर कोर रही है, मट्टी से निकाल रही है कोर के। ये देखो नानी कोर रही है आलू, देखो। ये देखिए गछवा कुबार के प्रियंत का नानी आलू निकाल रही है। देखिए प्रियंका का नानी कितना आलू कुबार, प्रियंका का नानी कितना आलू कुबार रही है। लाल आलू है, घर का आलू खाने में भी टेस्ट लगता है। ये सब अभी बाद में उखा रही है, अभी थोड़े से उखा रही है, क्योंकि प्याज लगाना है दो खेत इसीलिए। ये देखिए कितना यहाँ आलू हो गया है। हाँ हो जाएगा दो खेत। ये देखिए प्रियंका के नानी यहाँ भी आलू उबार रही है। यहाँ भी देखो आलू उबार रही है प्रियंका के नानी। ए बाबू को पेंट पहना। ये देखिए वैष्णवी भी तुम भी कुबार रही है ना, कुबार। देखिए आलू का पेड़ से आलू सब छोड़ा छोड़ा से प्रियंका का नानी निकाल रही है, सब निकाल। देखो इसका नानी यहाँ आलू निकाल रही है काट काट। ये देखिए मामा भाई ना ठीक है तो पसंद। हम 2 किलो आलू आए ना। ये देखो हो गया ना, ये इसमें भी तो उचारा रे आलू को उचारा प्रियंशु। ये देखो आलू सब यहाँ उचारो उचारो। ये देखो उचारो। ये देखिए प्रियंशु और प्रियंशु का नानी जिस आलू कोर के वो जगह अच्छा से कोर के दोनों नाती नानी यहाँ आलू प्याज लगाएगा। प्रियंशु भी कोर रहा है। ये देखिए देखिए प्रियंशु किस तरह कोर रहा है उसका नानी भी यहाँ प्याज लगाएगी दो खेत इसका नानी। ये प्रियंशु और प्रियंशु का नानी यहाँ कोर रही है दोनों जान। क्या लगाएगा रे, प्याज लगाएगा ना, क्या लगाएगा प्याज लगाएगा। अच्छा कोरो अच्छा से कोरो, कितना धूप दे रहा बाबू। अच्छा से करना बेटा, हाँ ठीक से करो। प्रियंशु और कोर रहा है तो और आलू निकल रहा है ना बेटा। ये देखिए और आलू निकल रहा है, तुम करने जानता है बाबू। अच्छा करो अच्छा से करो हाँ। ये देखिए प्रियंशु क्या कर रहा है बेटा, क्या कर रहा है हाँ, क्या कर रहा है, कोर रहा है ना, कोर रहा है ना। ये देखिए प्रियंशु का नानी आधा आलू कोरी है, अभी आधा यहाँ बोरे बाद में कोरेंगे, अभी दो खेत प्याज लगाना था इसीलिए कोरी है। ये देखिए 5 किलो जैसा यहाँ तीन दो खेत कोरी तो उसमें आलू निकला 5 किलो जैसा। देखिए इसका नानी आलू भर रही है, प्रियंशु भी आलू भर रहा ना बेटा, नहीं भर रहा ना।
ये देखिए इसका नानी आलू भर रही है। ये देखिए प्रियंशु आलू भर रहा है, इसका नानी भी आलू भर रही है। आलू भरो के प्रियंशु किस तरह आलू भर रहा, आलू भर रहा बेटा। कहाँ बैठ गया आलू का टोकरी में ना। ये देखिए प्रियंशु आलू तालू कुछ नहीं भर रहा है, यहाँ आलू का टोकरी में बैठ गया। क्या कर रहा है आलू का टोकरी में बैठ के बाबू? सो रहा है ना, बैठ रहा आलू को गांज रहा है ना रे। उसका नानी आलू भर रही है। ये देखिए भाग रहा है। ये देखिए सवेरे है दो खेत प्याज लगाए थे, अभी धूप के कारण इतना नज़र नहीं आ रहा है। ये सब मेरा मम्मी पहले ही लगाई थी, सवेरे हम लोग दो खेत वो कोना तरफ लगाए थे प्याज। कई खेत प्याज लगाए थे बेटा? प्याज कई खेत लगाए थे? दो खेत ना, दो खेत। ठीक है, ये देखिए मेरा मम्मी आलू खोल के अब प्याज लगा रही है। जिधर थोड़ा थोड़ा यहाँ छूटा है उधर पूरा कर दे रही है, उधर पतला पतला रोपी थी ना इसीलिए उधर मोटा कर दे रही है प्याज लगा। उधर आलू खोल के एक खेत उधर भी प्याज लगाई है मम्मी। ये देखिए उधर भी एक खेत मम्मी प्याज लगाई है। ये देखिए यहाँ भी एक खेत मम्मी प्याज लगा के पानी डाल दिए है। ये देखिए प्याज लग गया है एक खेत। ये सब आलू को बाद में मम्मी कोरेगी। ये देखिए इधर भी मम्मी एक खेत प्याज लगाई है आलू कोर के। अभी लगाने से अच्छा है कि अभी पानी का सुविधा है, पानी अभी कम लगेगा। ये देखिए मम्मी प्याज को अच्छा से कोरते रही है। बोरे कोर देंगे तो यहाँ उसका जड़ नीचे जाएगा, अच्छा से फैलेगा। बोरे आज काम नहीं है तो चलो अच्छा से प्याज रोप दे रहे हैं, कोर भी दे रहे हैं। आलू भी दो तीन खेत कोर दी है 10 किलो जैसा, और जो बचा कुचा प्याज था इधर बीच बीच में लगा दी है और लगा के पानी भी डाल दी है। ये देखिए, ये देखिए मम्मी अच्छा से कोरते रहिए ताकि इसका जड़ नीचे से अच्छा से जाए, अच्छा से फैले जड़, इसका अच्छा से हवा लगेगा, इसीलिए अच्छा से मम्मी कोर करके हवा लगने के लिए दे रही है।